इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं मौजूद हूँ सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में। हर साल कुछ यूनिक जानवर यहाँ आते हैं, लेकिन आज मैं एक यूनिक चीज़ लेकर आई हूँ कि एक लड़की जो है वो बहुत ही बाहिम्मत है और उसने न सिर्फ एक ट्रेंड सेट किया लड़कियों के लिए, वो ये कि वो 36 जानवरों के साथ यहाँ आई है और यहाँ न सिर्फ उनका ख्याल रखती है, उन्हें पाला, उन्हें प्यार दिया, उनके नाज नखरे उठाए, बल्कि वो उनको यहाँ फरोख कर रही है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। आयशा क्या कहोगी, कैसे ये शौक पैदा हुआ? लोगों को देखते देखते और जानवरों से प्यार भी था तो बस शौक आ गया। डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनके कितने नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों की तरह आप बता रही हैं कि एक एक चीज़ का ख्याल रखने, तो कितने नाज नखरे उठाते हैं? बहुत सारे नाज नखरे इनके उठाने पड़ते हैं, इनका खाना पीना, इनकी लड़ाई, इनके प्यार करना एक दूसरे। अच्छा आयशा, अमूमन हमने ये देखा है कि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ आती हैं, सेल्फीज लेती हैं और इनफ, ये फरोख करने का ख्याल बड़ा अलग सा एक ट्रेंड है, क्यों, कैसे सोचा, क्या यूनिकनेस करना चाहिए? मुझे हमेशा से ये था कि मैं कुछ यूनिक करूं और वही चीज़ मैं कर रही हूं। मैं खुद एक बाइक राइडर हूं और खुद एक इंस्ट्रक्टर हूं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ यूनिक चीज़ आनी चाहिए मार्केट में, तो वही चीज़ मैं कर रही हूं। और देखिए मुझे देखते हुए और भी लेडीज़ आएंगी, और भी गर्ल्स आएंगी कि हम भी कर सकते हैं। अच्छा आयशा मुझे ये बताएं कि क्या पैकेज है इन जानवरों का? 36 हैं और 36 के 36 एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही जो है वो नाजों से पले हुए, अपने खाने का, अपने टाइम का बड़ा इनको ख्याल है, उठने बैठना खाना पीना सब बिल्कुल अलग ही लग रहा है कि जैसे बच्चों की तरह इनकी देखभाल की गई है। तो क्या आपका पैकेज लेवल है और कैसे ऑनलाइन इनको फरोख करती है और यहाँ का मतलब आपको डील करने में क्या मुश्किल? यहाँ पर डील करने में मुश्किल ये है कि जो लेने के लिए आते हैं वो रेट बहुत कम बताते हैं और इतना तो कॉस्टली हमें पड़ जाता है वहाँ से लेके आना, इतना दूर से, फिर इनकी देखभाल करना, इनका पानी का ख्याल रखना, यहाँ के इतने अखराजात हैं जिसकी कोई हद नहीं, पानी भी परचेज करना पड़ता है, तो बहुत सारे अखराजात हैं उनके बाद। उसके बाद अगर सेल करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है, उसमें वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल हाफ में सेल कर दो, वो हो नहीं सकता। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछूंगी आयशा, लड़कियाँ जब कपड़ा लेने जाती हैं तो बड़ी बार्गेनिंग करती हैं, आज यहाँ तुमसे लोग बार्गेनिंग करते हैं तो कितना मतलब लगता है कि हम कपड़ों के लिए इतनी बहस कर सकते हैं लेकिन जानवर के लिए कितनी करनी पड़ती है? जानवर और कपड़ों में बहुत फर्क है, जानवर कुर्बानी के लिए लिया जा रहा है, कपड़ा पहनने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन बार्गेनिंग तो सेम ही हो रही है। हाँ बार्गेनिंग तो सेम ही हो रही है, मगर बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ देखना, इन सबको सर्वाइव करना, यहाँ के अखराजात होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आयशा अब कपड़ा लेने जाएगी तो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगी, इज इट? नो, इज इट नॉट? अच्छा ठीक है, हमने मिलाया आपको आयशा से और बड़ी ही बाहिम्मत लड़की, आजकल यहाँ लड़कियाँ आती हैं, सेल्फीज लेती हैं और चली जाती हैं, एक नई चीज़ यूनिक लेकर आई है, एक कदम उठाया और दूसरी लड़कियों के लिए एक ट्रेंड सेट कर दिया। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती, माशरे में मर्दों के शाना बशाना हर काम कर सकती हैं और आयशा ने ये बात साबित कर दी है। और उनका जो स्टाइल है, जो उनका यूनिकनेस वाला एक टच था, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, इसलिए आज आपके साथ भी मैंने उसे शेयर किया। फिर इंशाल्लाह एक नई चीज़, एक नए जानवर, एक नई जगह से हमारी मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।